हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5th। ये अस्माकम प्रिय मित्राणि पक्षीण, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखे हैं, सुकह सुकह मीन्स तोता, काके मीन्स कौआ, कुकुटे मीन्स मुर्गा, उल्लूके मीन्स उल्लू, कपोते मीन्स कबूतर, मयूर मीन्स मोर, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है आपका, चटका मीन्स चिड़िया, बके मीन्स बगुला, हंस मीन्स हंस जो हंस रहते हैं, इसके बाद में पिके मीन्स कोयल, ठीक है। ये आपके नेम है इनके पक्षियों के, ठीक है। उसके बाद में ये बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में और क्या कह रहे हैं, रमा रमा कहती है, राजीव है अश्विन चित्रे तुम किम पश्यसी, मतलब इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कहता है, राजीव कहता है, रमे चित्रे तु अनेके खगा संति, चित्र में बहुत सारे पक्षी हैं, चित्र में क्या है, बहुत सारे पक्षी हैं। उमा किम त्वम एतेषां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नाम जानते हो, किम त्वम एतेषां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नाम जानते हो। तो वो क्या कहता है, उमेश उमेश कह उमेश कहता आम हाँ, अत्र मयूर है, यह मोर है, बके बगुला है, कुकुटे मुर्गा है, ठीक है, च संति। तो इसका मतलब क्या है कि उमेश कहता है इसमें क्या है, हाँ तो उमेश कहता है इसमें आम है, हाँ अत्र मयूर है, यह मोर है, बगुला है और यह मुर्गा है, ठीक है। च मीन्स होता है और, ठीक है, संति मीन्स है। इसके बाद में क्या कहता है वो, रमा तत्र शुके काक है उल्लू कह चे अपि संति, वहाँ तत्र मीन्स क्या होता है आपका, वहाँ तत्र मीन्स क्या होता है, वहाँ, तो वहाँ क्या है, तोता है, सुक है, काक है, कौआ है, उल्लू है, चे मतलब और, अपि मतलब भी, और संति मीन्स है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ तोता है, काक है मीन्स कौआ है, और उल्लू भी है, क्या है, और उल्लू भी है, समझ में आ गया। इसके बाद में क्या है, राजीव राजीव कहता है, किम चटका हंस है चैन न सतह, तो क्या कहता है वो, ये कहता है आपका, किम चटका हंस है चैन तसे चैन सतह, क्या चिड़िया और हंस नहीं है, किम मतलब क्या, चटका मीन्स चिड़िया, हंस मीन्स हंस, चे मीन्स और, न मीन्स नहीं है, और स्तः मीन्स है, ठीक है। तो क्या चटका और हंस और, मतलब चटका और हंस नहीं है, तो उमा क्या कहती है, आम चित्रे हाँ, चित्रे चित्र में क्या है आपके, चित्रे चटका हंस चेस्त है, मतलब चित हाँ चित्र में चटका मीन्स चिड़िया और हंस हैं। अत्र यहाँ तू कपोत है पिके चे अपि स्त मीन्स, यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं, क्या कहती है वो उमा, क्या कहती है, अत्र मीन्स यहाँ, तू मीन्स तो कपोत है, कपोत मीन्स कबूतर, चे मीन्स और अपी मीन्स भी, ठीक है, यहाँ तो कबूतर और मीन्स कोयल भी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उमेश है, उमेश क्या कहता है, अधुना वद मयूर किम करोती, अब क्या बोलते हैं कि अब बोलो मोर क्या कर रहा है, अधुना वद दोनावद मीन्स क्या है, अब बोलो मोर क्या कर रहा है, तो राजीव है, मयूर है नृत्यति, मयूर क्या कर रहा है, मयूर नाच रहा है, ठीक है, मयूर क्या कर रहा है, नाच रहा है। रमा रमा क्या कहती है, बकै कुत्र तिष्ठति, तिष्ठति मीन्स होता है बैठना, ठीक है, तो क्या है कि बगुला कहाँ रहता है या कहाँ बैठता है, ठीक है, तो वो कहता है कि बकै कुत्र तिष्ठति, तो कहता है, उमा कहती है, बके तू जले तिष्ठति, क्या है कि बगुला जो है जल में रहता है, ठीक है, तो कहाँ रहता है वो आपका बगुला, वो आपका जल में रहता है। उसके बाद में उमेश, उमेश क्या कहती है, सॉरी उमेश लड़का है इसमें, उमेश बोलता है, अन्य खगा कुत्र तिष्ठति, मतलब अन्य खगा मीन्स अन्य जो पक्षी हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, अन्य खगा कुत्र तिष्ठति मीन्स वो, सॉरी तिष्ठति नहीं, तिष्ठन्ति, तिष्ठति ऊपर था, तिष्ठन्ति है।
है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे खगा की बात हो रही है, इसलिए तिष्ठन्ति का यूज हो रहा है, ठीक है, अनेक खगा। ओके, तो क्या है, अनेक खगा कुत्र तिष्ठन्ति, तो कहते हैं, रमा कहती है, अन्य खगा तो वृक्ष से शाखासु तिष्ठन्ति, मतलब जो अन्य जो पक्षी हैं, अन्य पक्षी तो किस पे रहते हैं, पेड़ की शाखाएं और टहनी पर रहते हैं, ठीक है, अन्य पक्षी तो, ठीक है, अन्य पक्षी तो वृक्ष से मीन्स वृक्ष की शाखा मीन्स शाखा या फिर उसको टहनी भी बोल सकते हैं, तिष्ठन्ति मीन्स रहना, ठीक है, रहते हैं। ओके, आगे क्या कहता है, मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, मिलकर गाइए समझिए और उसका आचरण कीजिए। मिलित्वा मीन्स मिलकर, गायन्तु मीन्स गाइए, अवगन्तु अवगच्छन्तु मीन्स समझिए, ठीक है, अवगच्छन्तु मीन्स का क्या मतलब है, समझना, और उसका और च मीन्स और आचरन्तु मीन्स आचरण करना, ठीक है, और उसका आचरण कीजिए, ठीक है। न कसिचित कस्यचित मित्रम न कसिचित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप रिपुवत् स्था, मीन्स इसका भावार्थ क्या है कि संसार में कोई भी लोग बिना कारण के मित्र या शत्रु नहीं होते, संसार में कोई भी लोग आपके बिना कारण के मित्र या शत्रु नहीं होते, इंसान के व्यवहार से ही उसका मतलब उनके व्यवहार मतलब उनके जो इंसान का जो व्यवहार होता है उसी से ही क्या होते हैं, मित्र बनते हैं और उसी से ही शत्रु हो जाते हैं, इसलिए हमें विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि संसार में कोई भी किसी बिना कारण से कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है, व्यवहार की वजह से ही आपके मित्र और शत्रु बनते हैं, इसलिए हमें अपना जो व्यवहार है वो विनम्रतापूर्वक हमें लोगों से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको इसमें रीड कर देती हूँ, इस भावार्थ को, संसार एक है अपी जन अकारणम, मतलब बिना कारण के एवं कश्यचित मित्रम अथवा शत्रु, संसार में कोई भी लोग बिना कारण के, ठीक है, कोई भी लोग बिना कारण के मित्र या शत्रु नहीं होता, न भवति जनाना व्यवहारेण एवं तेषां मित्राणि शत्रवः च भवन्ति, अतः वयम सर्वे, वे मीन्स हम सबको, ठीक है, वे मीन्स क्या होता है, हम सबको एक मित्रतापूर्वक विनम्रपूर्वक, ठीक है, विनम्रतापूर्वक हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद में क्या दे रखा है, चित्र दृष्टवा खगस्य नाम लिखत, जो चित्र में जो दिए गए हैं उन पक्षियों के क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, जैसे आप इसमें दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कुआ, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, एश है काक है अस्ति, एश है काक है अस्ति, क्योंकि काक को क्या बोला जाता है, कुआ बोला जाता है, और एश है क्यों लगा है, क्योंकि एश है क्या आपके पुर्लिंग के लिए यूज होता है, और काक है क्या आपका पुर्लिंग में आ जाता है, कुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या, एश है क्यों यूज हुआ, क्योंकि अभी समझा है मैंने आपका, ये किसके लिए यूज होता है, आपका पुर्लिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, और आपका ये यहाँ पे क्या आएगा, एश है मयूर अस्ति, मयूर मतलब मोर है, ठीक है, मयूर अस्ति, एश है अभी कपोत है अस्ति, कबूतर को क्या बोला जाता है, कपोत है, तो क्या बोलोगे, एश है कपोत है अस्ति, तो ये है कबूतर है, ठीक है। इसके बाद में एस है सुखे अस्ति, ये सारे पुर्लिंग में है, ये सभी क्या है आपके पुर्लिंग में है, ठीक है, ये एस है सुखे अस्ति। उसके बाद में उल्लू का है क्या है, ये भी आपका पुर्लिंग है, क्योंकि आपके स्त्री उल्लू का, उल्लू क्या होता है, पुर्लिंग में आ जाता है, तो उल्लू का है, उल्लू का है, ठीक है, उल्लू का है, ठीक है। इसके बाद में है, ये आपका हंस है, बगला है, ये आपका शायद मेरे हिसाब से बगुला है ये ना, तो बके बोलेंगे, एस है बके है अस्ति, ठीक है, एस है बके अस्ति। उसके बाद में क्या है, हंस है, एस है हंस है अस्ति, ठीक है, ये क्या आपका हंस है, समझ में आ गया है आपको ये। एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, मुझे थोड़ा उल्लू कह के स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक सी लग रही थी, उल्लू कह है इसमें कहीं, मुझे लगता है स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, हाँ ठीक है, यही है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, मिलान क्रूत है, मतलब मिलान करने हैं आपने, ठीक है, मिलान किस तरीके से करने हैं, सुखे है, सुखे क्या करता है, सुखे मीन्स तोता, तोता
सुके मीन्स तोता, तो ये हरित। वके, वके के किस कलर का होता है आपका, श्वेत कलर का होता है। और काक है कृष्ण, मीन्स ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, तो ये आपके मिलान हो गए। उदाहरणम, उदाहरणम न अनुसार शब्द निर्माणम कुरुत है, उदाहरण के अनुसार आपको क्या करने हैं, शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से करना है, सॉरी एक बार मैं समझा देती हूँ। जैसे आपको ये दे रखा है, जैसे एक, जैसे सुख है, देखिए यहाँ पे एक ही वो आना चाहिए, जैसे सुख है यहाँ पे आप कह लगा दोगे, ठीक है, काके है, ठीक है, पिके है, ओके, बके है, तो मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे सभी क्या आना चाहिए, यहाँ पे कै आना चाहिए, मतलब इस तरीके से जब आप सभी को करते हो तो क्या आना चाहिए इधर, कै, जैसे हंस है, ठीक है, हंस है, ओके, समझ में आया। अब क्या, खगानाम नामानी लिखत ये शाम अंते कै वर्ण भवती, ठीक है, तो यही था इसमें कै वर्ण भवति, इसमें देखो कै वर्ण भवति है लास्ट में, अपने ऊपर का किया होगा, और इसमें भी इसी तरीके से है, इसमें खागा नाम नमानी, मतलब इसमें जो पक्षियों के नाम लिखने हैं इस तरीके से लिखने हैं कि जो पीछे का जो वर्ण है वो कै ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इसमें भी जस्ट यही आपको दे दी, जैसे ऊपर आपको वो दी गई थी ना एक्टिविटी, सेम नीचे दी गई है, जैसे यहाँ पे पी कै सेंटर में है तो नाम इसी तरीके से आना चाहिए, यहाँ पे बै लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बक है ना, बके हो जाएगा, इधर की तरफ हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, शू लिखेंगे तो शुके हो जाएगा, ठीक है, इधर हम का लिखेंगे तो काके हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कि मतलब लास्ट में क्या है आपका, क्या ही आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको पिकह दे रखा है, यहाँ पे क्या है आपका, बके है, शुके है और काके है। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका, पाठे प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा रिक्त स्थानी पूर्यते, पाठ में जो आपकी ये क्या, आपको ये यहाँ पे रिक्त स्थान फिल करने हैं, ठीक है, मतलब चित्र को देखकर, ठीक है, यहाँ पे चित्र दे रखा है आपको, तो यहाँ पे चित्र को देखकर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान करना है, मतलब उसको फिल करना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है नृत्य थी, अब नृत्य, नृत्य कौन करता है, मयूर है, तो क्या कौन करता है नृत्य, मयूर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसके बाद में क्या है, मधुर गायती, मधुर कौन गाता है, पिक है, पिक मीन्स कोयल, पिक मीन्स क्या होती है, कोयल, कूजती खग, खग, खग क्या है, कूजती मतलब ये जो है पक्षी अपनी आवाज़ निकालते चीची चीची करते हैं, इसी तरीके से खग में सभी आ जाते हैं, कोयल भी आ जाती है, सब आ जाते हैं उसमें। मर, ये मरीचिकाम खादती, मरीचिकाम खादती इसका सुख है, सुख मीन्स तोता। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हंस, हंस क्या है, जले तैरते, जल में तैरता है, हंस आपका जल में तैरता है। रात्रो जागृति, तो रात्र में कौन जागता है, उल्लू कह, ठीक है, उसके बाद में मत्स्यम खादती, मछली कौन खाता है, बके है, बके आपका मत्स्य खाता है, तो बके मत्स्यम खादती। ठीक है, ये जो आपका ऊपर जैसे आपने लिखा है मत्स्यम, आपको ये जो आपका ऊपर जो लग जाता है ना, देख मैं आपको समझाती हूँ, ये जो आपका जो पीछे जो ये बिंदी जो लगी होती है, इसका मतलब है मैं, इसको हम बोल देते हैं मत्स्यन, नहीं बोलेंगे इसको, संस्कृत है तो इसमें मैं की साउंड आती है, मत्स्यम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, मत्स्यम। ओके, अगर यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर होता तो हम क्या बोलते हैं, जलेम। ठीक है, तो ये मैं की साउंड के लिए आपका ये अंक की बिंदी का यूज़ करते हैं संस्कृत में। ठीक है, कश्यपि पक्षिण चित्रम चित्राणि रचयित्वा तत्तानि वर्णे रचयन्तु। इसमें क्या करना है कि इसमें बहुत सारे पक्षियों के रंग बनाने, वो चित्र बनाना है और उसमें क्या करना है, रंग भरना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी मनपसंद पक्षी हो आप उसका चित्र बना सकते हो, किसी का भी, जैसे कि मैं बना सकती हूँ इसमें उल्लू का, उल्लू का मैं चित्र बना सकती हूँ, मनपसंद तो नहीं है बट मैं उसका बना सकती हूँ। देखो जिस तरीके से मुझे कुछ कुछ आता है बनाना, कुछ इस तरीके से बनता है वो, और कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, तो आप इसका जो भी मनपसंद का वो हो आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट की जो वीडियो थी उसमें मतलब स्टार्टिंग में तो सही तरीके से आ रहा था, पीछे इसमें साउंड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं एक बार उसकी फिर से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो
ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू, और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद में, धन्यवाद।